अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। आज हम आए हैं कराची। हम आए थे रात को और अभी हमने नाश्ता किया और अब हम निकल पड़े हैं निदा यासर के शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के लिए, जो कि ARY के लिए है। और अक्सर हम आते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें निदा के शो में आकर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है शादी, और मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ARY के मेकअप रूम में तो मेरा मेकअप हमेशा यही करती है। बहुत अच्छा मेकअप, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे हैं आप? सलमान, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम, क्या हैंडसम लग रहे हैं भाई, मेरे भाई और भाभी, जबरदस्त। थैंक यू भाई। शहजादी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वायरिंग हो रही है मेरी, बाइक लग रहा है, बाइक की वायरिंग हो गया। और सब खैरियत है? टर्किश बच्चा है ना? आजकल उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वाओ, तो दिन में आपको इतने कलर किए जा रहे हैं, वाओ वाओ, सेल्फ ऑब्सेस्ड। उसके बाद जो है यहाँ पे आके माइकी व्हीलर, अगर व्हीलर आपकी तरफ जाते हैं तो आपको मैग्नेटिक सुनाएगी, इनकी तरफ जाते हैं तो ये, और इनकी तरफ जाते हैं तो ये। इसमें बजर का चक्कर ही नहीं, लक का चक्कर है, ठीक है? लक तो जब बंदे का लक ही टूट जाए तो फिर आपने इसको काफी समझा नहीं, क्या है नेक्स्ट? मैं समझ गया हूँ। क्या बताएं? कि वो व्हील घुमाएंगे, जिसकी तरफ रुकेगा उसने सुना मेडले, कौन सा मेडल?
वो मेडले कोई भी हो सकता है। अच्छा उसमें आप अगर यहाँ नहीं आपको नजर आया स्क्रीन पे देख लीजिए। हाँ ठीक है, उसमें चार गानों एक साथ होंगे अलग अलग सिंगर्स के, और वो आप लोगों ने देख के सब देखेंगे और नोट कर लेंगे, और वो व्हीलर घुमाया अगर आपकी तरफ आ गया। ओके, ये मेमोरी का मेमोरी का और मुकद्दर का गेम है। ठीक है जी, ये ब्रेक्स होती हैं जी, ब्रेक में बताया जाता है क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, और आप आराम से देख लेते हैं। चलें अगली ब्रेक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। निदा हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं मेरे बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात, क्योंकि इतना पुराना साथ है हमारा, इतने शोज किए करते टाइम। साहिबा की सबसे अच्छी बात है जो मैंने ऑब्जर्व की जब से ये मेरे पास आती हैं, जब से मैं इनसे मिलती हूँ, ये किसी की बुराई नहीं, ये गॉसिप नहीं करती यार, और अगर आप भी करने लगो तो ये चुप रहती, सबसे अच्छी बात है। और मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ मैं, कभी मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, कितनी मुलाकातें भी हुई हूँ, ये गॉसिप नहीं करती, और यही बुरी बात है। फिर तो ये औरत ही नहीं है। ना अपने मियाँ की बुराई, ना किसी और की बुराई, ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी में नहीं होती है। नहीं, मेरे साथ ये है ना कि मेरे साथ जो रिश्ते हैं, मैंने जो अपने रिश्ते बनाए हैं, जो दोस्त बनाए हैं, वो मेरे साथ हमेशा अच्छे ही रहे हैं। और वैसे मैं बता रही हूँ कि जब हम कराची आते हैं तो बहुत कम लोगों से दोस्ती है, अब तो कराची में खैर किसी से दोस्ती ही नहीं है, दोस्त बनाना ही छोड़ दिया। और निदा के घर हम खाना खाते हैं और इतना मजेदार खाना खुद अपने हाथ से शो से थक के बनाती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ, एक आध दफा आए हैं, ये इतना तो आते भी नहीं है, अपने काम भी कर रहे हैं। थे जहाँ पे हम मतलब खाना खा चुके हैं, लेकिन उनमें से निदा का घर एक ऐसा है जहाँ पे हमने खाना खाया, हमें बकायदा इनवाइट किया है। हमने ईद एक साथ सेलिब्रेट की थी, एक दफा ईद का 30वां दिन था, मुझे याद है, मैं बस मैंने आपको तस्वीर भी व्हाट्सएप की, आज मेमोरीज आती है ना फेसबुक पे वापस, मुझे ऐसी तस्वीरें व्हाट्सएप ना किया करे, मैं रो पड़ती। नहीं अच्छा, नहीं मैं कहती हूँ जो भी टाइम पुराना होता है पता नहीं अच्छा ही है, आप ऐसी करते नहीं, यही यादें हैं यार। अभी हम 8 माह बाद आए हैं कराची, बाकायदा शो को ना मिस करने लग जाते हैं हम, आपको मिस करते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं आपको बुलाने के, लेकिन वैरे कोरोना की वजह से आप लोग भी एहतियात करते हैं, हमने कोरोना के बीच में भी इनको फोन किया आ जाए, लेकिन अब वैरे एहतियात जरूरी है, जहाज से भी डर लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इनको फोन करते हैं, चले इंशाल्लाह। इधर भी पूछो, ये हमारी आर्टिस्ट हैं और ये बोलती भी हैं, मेकअप रूम में ये सो रही थी, यहाँ आके भी आंखें बंद, आंखें खुली हैं लेकिन सो रही हैं। पूरे शो में इन्होंने 4 बातें की हैं और मैंने सीटियां बजाई हैं उस बात पे, शो आप देख रहे होंगे, क्लैप हुई है, हाँ यार बोलने पे क्लैप हुई। अच्छा नहीं, ये बहुत मतलब एनर्जेटिक शो के लिए ना बड़ा अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा मतलब असी बुरे हैं मतलब नहीं अयाज, इसका मतलब हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम एक्टर अच्छे नहीं है, हम परफॉर्मर अच्छे हैं। लेकर चले जरा, और ये हैं जस्टिन बीबर गर्ल्स सिस्टर्स, गर्ल्स हैं या सिस्टर्स, सिस्टर्स छोटा था ना गेस्ट हाउस में गेटअप था, बनियान लाल रुमाल और यहाँ पे बटरफ्लाई का टैटू। बचपन में मैं भाई अपनी एक हमारी कजन थी आलिया बाजी, उनसे बटरफ्लाई का टैटू, अपना एक बनियान जो पहन थे, लाल रुमाल किसी का भी मिल गया, वाइपर पकड़ के पूरी गली में भागता था, और बाल का ना पफी गाल के आमर हमारा बचाने को पकड़ के लो, अल्टीमेट था वो, मैं बता रहा हूं हमारा बचपन वो नॉस्टैल्जिया है यार, हमने वो अल्टीमेट था, गेस्ट हाउस का जो कैरेक्टर मुंबई का था मेमोरेबल, और कोई ऐसा कर ही नहीं सका, कोई और वो जगह ले ही नहीं सका। हां हां की सच, अब तुम समझ रहे हो बड़े हो गए हो, अभी भी तुम छोटे हो, 33 साल का हो गए, मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया पता है, नहीं वो छोटे हो यार, ये शहजादी मेकअप आर्टिस्ट हैं जी, कितने सालों से हो पाजी के साथ,
पैदा होते मेरे पास हर साल ही बोलते दो साल को कितने साल हुए हाँ 19 साल से मतलब पैदा होते ही ठीक कह रही है ना अब कितनी हो 21 की भाई बस उसे 2 साल बड़ी सच में 19 साल से अरे मैं पहले यहाँ पे मिल्लत फैन थे पंगे बनाती थी मिल्लत फैन में थी पहले मेरे को 20 साल हुए ये 19 साल यार माशाल्लाह बड़ा साथ है जी बड़ा बड़ी अच्छी बच्ची है ये शहजादी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में मेरे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफस्टाइल विद साहिब।